रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौबे की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन जमानत की राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही। दोनों को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी ने अदालत में याचिका का विरोध करने का फैसला किया है। जांच एजेंसी को लग रहा है कि भाई बहन की रिहाई हुई तो जांच प्रभावित हो सकती है। बाईस दिन हो चुके हैं रिया की गिरफ्तारी के, तब से रिया सलाखों के पीछे है। वो परेशान है अपनी जमानत के लिए। उसका भाई शोविक भी बेचैन है। दोनों जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एनसीबी दोनों को कतई हवालात से बाहर नहीं आने देना चाहती। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। उससे पहले ही एनसीबी ने तय कर लिया कि वो जमानत अर्जी का विरोध करेगी। एनसीबी ने रिया की जमानत की अर्जी के खिलाफ कई तर्क दिए हैं। अदालत के सामने जांच एजेंसी ने अपना तर्क मजबूती से रखा है और रिया शोविक पर कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। आरोप नंबर एक है कि ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है रिया चक्रवर्ती। दूसरा आरोप है कि ड्रग सप्लाई चेन की अहम सदस्य है रिया। तीसरा आरोप है ड्रग्स डील के लिए रिया ने दिए पैसे। चौथा आरोप ये कि शोविक मिरांडा दीपेश सब ने रिया के लिए नाम। और पांचवा बड़ा आरोप ये कि रिया की जमानत हुई तो जांच प्रभावित होगी। आरोपों की ये फहरिस्त एनसीबी ने अदालत के सामने पेश की है ताकि रिया जेल से बाहर नहीं आ सके। सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी अब तक करीब 20 गिरफ्तारी कर चुकी है। उनमें सबसे अहम नाम है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। वही रिया जो सुशांत की मौत को लेकर घिर चुकी हैं। घर वाले आरोप लगाते रहे हैं कि रिया ने ही सुशांत को जहर देकर मार डाला। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो एडमिटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच शुरू की थी, तो एनसीबी ने ड्रग्स एंगल की जांच का जिम्मा संभाला। ईडी ने भी रिया से सवाल जवाब किए, फोन खंगाले, डिलीट किए गए डेटा रिट्रीव किए, तो रिया के फोन से वो सबूत हाथ लग गए जिसका शक जाहिर किया जा रहा था। रिया के ड्रग्स रैकेट से कनेक्शन साफ होते देर नहीं लगी। धीरे धीरे उसका भाई शोविक और फिर कई ड्रग पैडलर लपेटे में आ गए। गिरफ्तारियां हुई, 5 सितंबर को शोविक गिरफ्तार हुआ। फिर एनसीबी ने रिया से पूछताछ की, 6, 7 और 8 सितंबर को सवाल जवाब हुए। उसके बाद रिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब एनसीबी ने हाईकोर्ट में उन 3 दिनों की पूछताछ का हवाला भी दिया है। कहा है कि रिया का सभी आरोपियों से आमना सामना कराया गया, बयानों की पुष्टि भी की गई। एनसीबी की पूछताछ में शोविक भी कबूल कर चुका है कि उसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे, उस ड्रग्स के पैसे रिया ने दिए थे। जांच में सामने आया है कि रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत भी रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदने की बात मान चुके हैं, लेकिन अदालत के सामने रिया ने खुद को बेकसूर बताया है। उसने कहा है कि ड्रग्स के मामले में वो पूरी तरह बेगुनाह है। ये भी कहा है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन एनसीबी ने अदालत को बताया है कि रिया और शोविक की रिहाई हुई तो जांच प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सबकी नजरें अब अदालत पर टिकी हैं। मुंबई से विद्या देवेश सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।